वेलकम बैक गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया और दोस्त। और आज खुशी है बहुत, और थोड़ा सा नहीं उदास नहीं है क्योंकि हमें, मुझे खुशी है क्योंकि वो अपनी मॉम से मिलेंगे, जाएंगे अपने घर, और उतने ही खुशी है जितना मेरे बच्चे घर आए थे घूमकर या नानी के जाकर आते हैं। तो मैं तो खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनकी माँ कितनी खुश होंगी कि आ रहे हैं गणेश जी, तो हमें देके जा रहे हैं बहुत सारी खुशियां दोस्तों, खुशियां और सच में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी, और वो आपको बताएंगे एक एक करके। और हम यही दुआ करेंगे आप लोगों के लिए भी कि आपके यहाँ भी गणेश जी देकर जाएं बहुत सारी खुशियां, क्योंकि अब झड़ी लग जाएगी त्योहारों की, गणेश चतुर्थी के बाद झड़ी लग जाएगी त्योहारों की और बिजी हो जाएंगे। तो ये बहुत प्यारा सा एक पर्व जिसमें हमारे पास आए हमारे प्यारे गणेश जी। और तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जितना ज्यादा से ज्यादा खुशियों में शामिल हो सके और जितनी हो सके खुशियां बांटिए भी, और हम तो यही करते हैं हमेशा से, हम अपने बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं ना, तभी आज नीला आज मैचिंग थोड़ा सा तो, और हम ना ज्यादातर हमारी आदत है हम लोग अपने दुख को बहुत छुपा लेते हैं, नहीं बताते ना, और ये हकीकत बात है, हम एक दूसरे के अलावा किसी को नहीं बताते, और जितनी भी हमारी खुशियां होती है वो किसी से नहीं छुपाते, चाहे वो कुछ भी कहे, और सब में बांटते हैं, ये ऐसा हमारे आसपास के लोग सब जानते हैं। आज गणपति जी का विसर्जन करना है दोस्तों जी, और यानी कि जाएंगे अपने फ्लाइट में जाएंगे बाय एयर या दिल की फ्लाइट से या किस फ्लाइट से, तो दोस्तों देखना तो बनता है, उनका इंतजार हो रहा है अपने घर पर। आज का ब्लॉग ओम श्री गणेशाय नमः, एंजॉय। Walking away, your words are lost on me. It's taking everything. Guys, आज हमारे घर पर पूजा अर्चना करने के लिए, पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए हमारे पड़ोसी हमारे भाई गुप्ता फैमिली आई हैं, और गुप्ता फैमिली के साहबजादे बहुत ही प्यारे, क्या करते हैं हर्ष गुप्ता, स्टूडेंट तो है लेकिन इसका शौक क्या है, गेम नहीं, एक चैनल बनाया है। अच्छा एक चैनल भी बनाया, कौन सा चैनल है? हर्ष बीजी। हर्ष बीजी, तो कैसा लगा आज सुबह सुबह आके आपको आरती में पूजा अर्चना में आके? बढ़िया, और इस बार हमने कम्युनिटी में बाहर तो रखे नहीं, लेकिन थोड़ा सा अफसोस है उस चीज़ का, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर रखेंगे, तो जरूर जाइएगा। हर्ष बीजी है, तो उसमें क्या क्या गेम्स, क्या गेम्स वगैरह का है, क्या है, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, अभी एक ही डाला, अच्छा, एक ही गेम, तो जरूर जाइएगा हर्ष बीजी पर, वो भी दिल से। और मिसेज राजपूत जल चढ़ाकर आ चुकी है दोस्तों, और आज विसर्जन है तो गणपति जी को आज गणपति जी को भेजेंगे माता पार्वती के पास, वो भी दिल से। और हमारी छोटी गुड़िया भी आई हुई है, कनु जब बोलती है तो बहुत बोलती है, वरना अदरवाइज चुप ही रहती है। क्या बोलेंगे बेटा? गणेश जी को क्या बोलोगे? अपने घर जाएंगे तो क्या बोलोगे? तो अब आप सभी लोग गणपति जी से रिक्वेस्ट कर लीजिए, जो भी करना उनके कान में, हाँ, जो भी कहना है बोल दीजिए। तो राघव आए हैं पूजा करने के लिए, और ये वापसी आ गए इंडियन विहार में, तो इनका स्वागत है वो भी दिल से। मोरिया गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा
गणपति जी गए अपने घर। आपने देखा आज का व्लॉग दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक। तो दोस्तों आज देख रहे हैं आप हमारी मैचिंग और जबरदस्त है दोस्तों, लुक बहुत जबरदस्त है और खुशियां देके गए हैं दोस्तों बहुत सारी गणेश जी, और आप सबके घर में भी आने वाली है खुशियां दोस्तों। और सच में गणेश जी जब भी आते हैं बहुत प्यारा सा एक पर्व है और हम मनाते हैं बड़े दिल से और अपने सभी नियर एंड डियर के साथ, और बच्चे भी शामिल हुए इसमें और कितना एंजॉय किया। और दोस्तों लॉकडाउन ने हमें विसर्जन करने का नया तरीका तो दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी दिन थे जब ये त्योहार होता था। कुछ ऐसे ही दिन थे, और ये देखिए हमारी खिड़की से भी लोग आते जाते देख रहे हैं, पर ऐसे ही दिन थे जब ये ही त्योहार हमने मनाया था। किस तरीके से, बहुत ही धूमधाम से, और कोरोना से पहले की बात कर रही हूँ। जी हाँ, सही समझे आप, ये कोरोना से पहले की बात है। ढोल पताशे और गणेश जी के साथ बच्चों ने पूरी गली के बच्चों ने किया डांस, और बहुत जबरदस्त। और हम लोगों को मंदिर तक जाना, डांस करते करते बच्चे एंजॉय करते करते गए, वो दिन आज भी याद है ना राघव? बिल्कुल बिल्कुल राघव, उस फर्स्ट टाइम जब हमने विसर्जन किया कैसा लगा था? बहुत जबरदस्त लगा था। तो दोस्तों अभी भी बच्चे आए हैं बार बार, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों याद कर रहे हैं पुरानी यादें। अब लेंगे आपसे इजाजत दोस्तों, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खुशी के साथ। जी हाँ, वो भी दिल से, क्योंकि आने वाले हैं उसके बाद नवरात्रे भी 15 दिन के बाद, तो उनकी भी करनी है तैयारियां, और घर में बहुत सारी सफाइयां शुरू हो जाएंगी, दीपावली आएगी, बहुत सारे त्योहार हैं आप सभी जानते हैं। तो शुरू जय हो और मंगलमय हो, शुरू हो गया आपका दिन मंगलमय हो, और शुरू हो गया श्री गणेश, हो गया त्योहारों का। तो दोस्तों अब लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नए अंदाज में और एक नई खुशी के साथ, वो भी दिल से। एंजॉय दिल से। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जरूर कीजिए, और पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा पसंद आए तो हमारे घर भी आइए। ज्यादा पसंद हो जाए तो दोस्तों हमारी पुरानी वीडियो भी देख लीजिएगा, वो भी दिल से, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुराने जो हमारे 2020 के गणेश जी के समय के हैं वो देखिए, जरूर देखिए, बहुत एंजॉय करेंगे भाई, उनको देखने भी दो भाई, मेरा दिल नहीं। पुरानी वीडियो कैसे देखेंगे? गणेश जी के जाने के बाद किसी से तो बात करनी है ना, गणेश जी थे तो मैं उनसे बातों में लगी रहती थी। अभी मेरे पास तो मेरे भाई बहन प्यारे व्यूवर ही हैं, और आपसे बात करूंगी तो आप वैसे भी थके हो, तो मैं इन्हीं से बात कर लेती हूँ। तो दोस्तों अब लेते हैं इजाजत और मिलेंगे, और मेरी बातें कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, इनके लिए तो जरूर बताइएगा, वो भी दिल से।